नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर महंतलक्ष्मी दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिकम्पोजिशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होती है? डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स टेबल को इजीएस्ट टेबल में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी जो टेबल है उस टेबल में विभिन्न प्रकार की जटिलता अगर है, अगर टेबल हमारा इजी फॉर्म में नहीं है, टेबल में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए उस टेबल को हम एक या एक से अधिक टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। तो टेबलों को एक से अधिक टेबलों में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे कि देखते हैं, व्हेन ए रिलेशन इन ए रिलेशनल मॉडल इज नॉट इन एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म देन डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन रिक्वायर्ड। यदि हमारे द्वारा जो बनाया हुआ रिलेशनल डेटाबेस है वो डेटाबेस अगर नॉर्मल नहीं है, एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इन दैट सिचुएशन हम उस टेबल को डिकम्पोज कर सकते हैं। इन ए डेटाबेस इट ब्रेक द टेबल इंटू मल्टीपल फॉर्म। उस डेटाबेस को हम एक से अधिक फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इफ द रिलेशन हैज नो प्रॉपर डिकम्पोज देन इट मे लीड टू प्रॉब्लम लाइक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारा टेबल अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं है तो उसमें डेटा की इंफॉर्मेशन की लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई रीजन डिकम्पोज इज यूज टू एलिमिनेट द सम प्रॉब्लम ऑफ बैड डिजाइन लाइक एनमलिस एंड इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी। अगर हमारा जो डेटाबेस है, डिकम्पोजिशन का उपयोग हम उस डेटाबेस में तब की कंडीशन में करते हैं जब विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम हमारे पास बनी होती है। यानी कि हमारा डिकम्पोजिशन जो है वो बैड डिकम्पोजिशन की तरफ अगर आगे बढ़ता है, जिसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम जैसे कि एनमलाइज है, इनकंसिस्टेंसी है या फिर रिडंडेंसी प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इन द पार्ट और एलिमेंट्स। डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम टेबल्स को एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट ब्रेक ए टेबल इंटू मल्टीपल टेबल इन ए डेटाबेस। यहाँ पर टेबल को मल्टीपल डेटाबेस में परिवर्तित किया जाता है। इट शुड अवे द लॉसलेस। टेबल हमेशा जब डिकम्पोज किया जाएगा तो उसका लॉसलेस का होना आवश्यक होता है। बिकॉज इट्स कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल रिलेशन इट कैन बी एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द डिकम्पोज रिलेशन। अगर हमारा टेबल लॉसलेस होगा तो अगर एक बिग टेबल को, बड़े टेबल को दो टेबलों में अगर विभाजित किया जाता है और दोनों टेबल के ऊपर फिर से अगर नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है तो वापस वही टेबल पुनः मिल जाती है, यानी ओरिजिनल टेबल हमें मिल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। और अगर हमारे द्वारा टेबल में किसी भी प्रकार की डेटा का लॉस हो जाता है, अगर हमारे द्वारा दिया गया डिकम्पोजिशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें डिकम्पोज करते समय यह बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जिन टेबलों से हम डिकम्पोज कर रहे हैं वो टेबल एक दूसरे, उसके जो फील्ड है वो एक दूसरे के रिलेवेंट होना चाहिए। इफ़ देयर इज नो प्रॉपर डिकम्पोज ऑफ द रिलेशन इट मे बी लीड टू ए प्रॉब्लम लाइक लॉस इन्फॉर्मेशन। अगर हम सही तरीके से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अगर हम रिलेवेंट फील्ड को ना लेकर इररिलेवेंट फील्ड को उस टेबल में ले लेते हैं तो उस फील्ड का उस टेबल में काम है ही नहीं। इन दैट सिचुएशन वो टेबल हमारे उपयोग का नहीं हो पाता है और वो बैड टेबल कहलाता है। तो इसके आधार पर डिकम्पोजिशन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन और दूसरा है लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन में जब हम एक कॉम्प्लेक्स टेबल को जब इजीएस्ट टेबल में हम डिवाइड करते हैं तो उस समय उस टेबल में किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ए डिकम्पोजिशन मस्ट बी लॉसलेस, इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन शुड नॉट गेट लॉस फ्रॉम ए रिलेशन दैट इज डिकम्पोज। डिकम्पोज में से उसका कोई भी रिलेशन क्या नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। इट गिव द गारंटी that the join will be result in the same relation as it was decomposed. इस लॉसलेस डिकम्पोजिशन में इस बात की गारंटी होती है कि यदि उस
स्प्लिट टेबल को वापस ज्वाइन ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाए तो वही ओरिजिनल रिलेशन हमें प्राप्त होता है जो डिकम्पोज करने से पहले था। द रिलेशन इज सेट टू बी लॉसलेस डिकम्पोजिशन इफ नेचुरल ज्वाइन ऑफ ऑल द डिकम्पोजिशन गिव द ओरिजिनल टेबल। वही टेबल को हम लॉसलेस टेबल कहेंगे जिसमें हमारे द्वारा अगर नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो पुनः हमें वही टेबल प्राप्त होता है जो टेबल पहले डिकम्पोजिशन से पहले था। दैट मीन्स ओरिजिनल टेबल हमें प्राप्त होता है तो उस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हम कंसिडर करते हैं, टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है, जहाँ पर हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और फीस, ये हमारे पास 5 फील्ड इसमें दिए गए हैं। इस टेबल को हम 2 टेबल में विभाजित कर रहे हैं। क्यों विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो किसके आधार पर है, क्लास के आधार पर है। हर एक क्लास का अलग अलग है और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग है, तो इस हिसाब से हम इसको 2 टेबल में डिवाइड कर रहे हैं। पहला टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल, जहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ को लिया गया है। दूसरा जो टेबल है हमारा वो है स्टूडेंट कोर्स टेबल, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका क्लास और उसकी फीस दी गई है। तो यहाँ पर एक टेबल को हमने 2 टेबल में परिवर्तित कर दिया, स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट कोर्स नाम के 2 टेबलों में विभाजित कर दिया। अब इन टेबलों पर वापस जब हम नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमें पुनः वापस वही टेबल प्राप्त होता है जो टेबल डिकम्पोज करने से पहले था। तो इस प्रक्रिया में लॉस किसी भी प्रकार के डेटा का नहीं हुआ, यानी डेटा की जब लॉस नहीं होता है तो उस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसे गुड डिकम्पोजिशन। परंतु जब हमारे द्वारा डेटा को जब विभाजित किया जाता है, अगर इस फील्ड को कुछ ऐसे टेबल में विभाजित कर दिया जाता है जिस पर वापस वो टेबल नहीं मिलता, जो कि इररिलेवेंट रहता है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहता, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, इसमें डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, स्टूडेंट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लो जाए इनमें से अगर स्टूडेंट डिटेल में सिर्फ हम स्टूडेंट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को लेते और स्टूडेंट के कोर्स में स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर को ना लेके स्टूडेंट का नेम, क्लास और उसकी फीस को लेते, तो यह पॉसिबल ही नहीं था कि इसकी जब नेचुरल ज्वाइन किया जाए तो ओरिजिनल टेबल प्राप्त हो। जब ऐसी प्रक्रिया जब हो जाती है जिसमें ओरिजिनल टेबल प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। क्यों लॉसी डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया जो फील्ड था वो उस टेबल के लिए इररिलेवेंट था, उससे संबंधित नहीं था, फिर भी हमने उस टेबल जिसमें हमने डिकम्पोज किया उस टेबल में उसको सम्मिलित कर दिया, तो इस कारण से वह जो है नेचुरल ज्वाइन प्रक्रिया में सेम टेबल ओरिजिनल टेबल को नहीं दे पाया, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के टॉपिक में हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, यानी कि एक ऐसा की जो प्राइमरी की नहीं है वो किस पर निर्भर हो, प्राइमरी की पर निर्भर हो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जितने सारे भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो किस पर डिपेंडेंट हो, की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो, तो इसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। डिटरमाइन द रिलेशन वन एट्रीब्यूट ऑन ए अनदर एट्रीब्यूट इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अनदर एट्रीब्यूट है वो वन एट्रीब्यूट के साथ डिपेंडेंट हो। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द डेटाबेस। फंक्शनल डिपेंडेंसी की सहायता से हम डेटाबेस की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को एरो के साइन के साथ डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई दो रिलेशनशिप है, दो है फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक्स और वाई अगर है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो रिलेशन के बीच एक्स डिपेंडेंट टू वाई, जहाँ पर एक्स और वाई दो एट्रीब्यूट होंगे, एक्स नाम का एट्रीब्यूट किस पर डिपेंडेंट है, वाई नाम के एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी प्ले द वाइडर रोल टू फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द गुड डेटाबेस एंड बैड डेटाबेस। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक अच्छा डेटाबेस और ख़राब डेटाबेस, गुड डेटाबेस और बेड डेटाबेस को हमें निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस टेबल की सहायता से फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा एक टेबल लिया गया है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और उसकी सिटी ली गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल वी नो द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नंबर, वी कैन ऑब्टेन द एम्प्लॉय नेम, सिटी एंड सैलरी। एम्प्लॉय नंबर के आधार पर ही एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और उसके शहर का निर्धारण किया जा रहा है, यानी कि एम्प्लॉय नंबर पर ही डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट है? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी तथा एम्प्लॉय का सिटी। बाय दिस वी कैन से दैट द सिटी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय नंबर। तो हम यह कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का नेम, सैलरी तथा सिटी किस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है? एम्प्लॉय नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर मान लो जाए एक ऐसा टेबल है जिसमें जितने सारे भी नॉन की एट्रीब्यूट होंगे, नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं है, नॉन की एट्रीब्यूट अपने की एट्रीब्यूट पर आधार अर्थात प्राइमरी की पर अगर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तो उसे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। और अगर मान लो जाए वो नॉन की एट्रीब्यूट एक की पर डिपेंडेंट ना होकर एक से अधिक यानी किसी कैंडिडेट की पर भी निर्भर करे तो उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसी हो रही है। एम्प्लॉई नंबर पर ही निर्भर है कौन? एम्प्लॉई का नेम। उस पर ही निर्भर कौन है? सिटी। और उस पर ही निर्भर कौन है? सैलरी। यानी कि एम्प्लॉई नेम, सिटी और सैलरी तीनों किस पर डिपेंडेंट है? एम्प्लॉई नंबर पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉई नेम, सिटी और सैलरी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो फुल्ली फंक्शन यहाँ पर डिपेंडेंट है। मुख्यतः जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है उसको बनाते समय कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि ये जो तीन रूल्स हैं इन तीनों रूल्स को फॉलो करके ही हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्टिव रूल। तो रिफ्लेक्टिव रूल में यदि एक्स इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स होल्ड द वैल्यू ऑफ वाई। यदि एक्स इफ एक्स इज ए एट्रीब्यूट, यदि एक्स एक एट्रीब्यूट है एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स और y x का सबसेट है तो x y की वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। अर्थात x से ही कौन बना है? y, तो x जो है y की वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। रिफ्लेक्सिव रूल। दूसरा होता है आर्गुमेंटल रूल। यदि इफ व्हेन x बिलोंग टू y, होल्ड अगर x y को होल्ड करता है, अगर x y को होल्ड कर रहा है और c नाम का कोई एट्रीब्यूट का सेट है तो इसका मतलब x c y c को होल्ड करके रखता है। तीसरा होता है ट्रांजिटिविटी रूल। ये बिल्कुल ट्रांजिटिविटी एलजेब्रा जो हमने देखा था बिल्कुल उसी की तरह ही होता है। यदि x y को बिलोंग करता है और y z को होल्ड करके रखता है, x y को होल्ड करके रखा और y ने z को होल्ड करके रखा, देन x z को होल्ड करके रख सकता है। x किसको बिलोंग कर रहा है? y को। y किसको? z को। इसका मतलब ये है कि x जेट को भी होल्ड करके रख सकता है, जबकि एक्स आरडी किसको होल्ड करके रखा था? वाई को होल्ड करके रखा था। तो फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए हमें ये तीन रूल्स ध्यान में रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, आर्गुमेंटल और ट्रांजिटिविटी रूल्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, दूसरी होती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तीसरा होता है नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी और चौथा होता है पार्शियल डिपेंडेंसी और पांचवा होता है ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है? यदि मान लो जाए हमारी जो डेटाबेस है, गुड डेटाबेस डिज़ाइन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक वैल्यू पर, एक की एट्रीब्यूट पर उसकी एक वैल्यू ही निर्भर रहे। अगर उस पर एक से अधिक वैल्यू निर्भर होती है तो वहां पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन जाती है। एक पर केवल एक ही निर्भर हो तो ही ज्यादा बेहतर होता है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑकर द सिचुएशन वेयर देयर आर द मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन ए सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अगर मौजूद होते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इस एग्जांपल से हम कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार नाम का एक जो टेबल है, इस कार नाम के टेबल में कार का मॉडल,
कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कार का कलर दिया गया है। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि कार का जो मॉडल H001, H005 और H010, H033 ये मॉडल्स जो दिए गए हैं, इनमें से जो पहला मॉडल है H001 जो कब बना, 2017 में बना, लेकिन दो कलर अलग अलग, दो कलर के, एक मैग्नेटिक कलर और एक ग्रीन कलर, ये दो अलग अलग कलर के ये बने हुए हैं। तो इस सिचुएशन में कार का जो मॉडल है वो अगर कलर के साथ देखें तो इस पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बनी, यानी कि आप कह नहीं सकते कि मॉडल H1 जो है कौन सी कलर का है, मॉडल H1 के दो दो कलर है, तो यहाँ पर कौन सा बन गया, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन गई, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है भाई, कार का मॉडल के साथ दो दो हुआ, कार का मॉडल H1 है उसके साथ ईयर भी दो लग गया, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आई। यहाँ पर हम इसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को एरो के साथ, डबल एरो के साथ दर्शाते हैं। यहाँ तो कार मॉडल के साथ मल्टी वैल्यू कौन सा बन गया, मैन्युफैक्चरिंग ईयर के लिए डबल वैल्यू हुई, इसी प्रकार से कार के मॉडल के साथ कलर के लिए भी डबल वैल्यू बन गई। इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। नेक्स्ट जो है ट्रिवियल डिपेंडेंसी, जो हमारा ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो होती है, इस डिपेंडेंसी में हम सेट पर आधारित रहते हैं, सेट और सबसेट की थ्योरी यहाँ पर आती है। द ट्रिवियल डिपेंडेंसी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड ट्रिवियल इफ द सेट एक्स आर इंक्लूडेड इन द एट्रीब्यूट। अगर मान लो जाए आपके पास एक ऐसा सेट है जिससे कोई दूसरा सबसेट से ही निकला है, तो उस कंडीशन में हम उसे ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जो ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो होती है वो कैसी होगी, जैसे कि x और y दो हमारे पास एट्रीब्यूट है, तो एक्स वाई इज ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ y से सबसेट ऑफ x, दोनों ट्रिवियल डिपेंडेंसी कभी कहलाएंगे जब x जो y है वो किसका सबसेट होगा, x का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दो लिया गया है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, एक सेट बना है। दोनों का सेट किससे मिला हुआ है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से बना हुआ है, जो कि बिलोंग, ये मान लो जाए सपोज दैट हमारा एक्स हुआ, एक्स कौन सा हुआ, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और वाई कौन सा हुआ, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट सेट। दैट मीन्स अगर मान लो जाए एम्प्लॉय आईडी वाई है तो वो किसका सबसेट है, आईडी और ईएमपी नेम यानी एक्स का सबसेट है, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, तो वाई किसका सबसेट है, एक्स का, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी किस पर उपस्थित है, पहला रिलेशन एक्स पर वो उपस्थित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहेंगे। दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में जो एक्स है वो वाई से नहीं बना होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी अगर वैन, अगर ए होल्ड बी बट ए होल्ड बी इज ट्रू वेयर द बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ए बी को होल्ड करके रखता है परंतु बी ए का सबसेट नहीं है, तब की कंडीशन में नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी बनती है। कैसे, देखिए इस एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं, हमारा पहला जो है सेट सपोज दैट ए है, ए के अंदर कंपनी है और बी कौन सा है, सीईओ, तो यहाँ पर ऐसे समझेंगे इफ वी नो द कंपनी देन वी नो द सीईओ, अगर हम कंपनी को जानते हैं तो कंपनी के सीईओ को भी हम जानते हैं, यानी कि ए किसको होल्ड करके रखा है, बी, इसके लिए ये ट्रू है, बट सीईओ इज नॉट ए सबसेट ऑफ कंपनी, बट सीईओ किसकी, कंपनी की सबसेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर यानी ए के अंदर केवल एक ही है कंपनी, यहाँ पर कंपनी और सीईओ दोनों रहता ए में, तब की कंडीशन में ये ट्रिवियल होता, परंतु यहाँ पर एक्स यानी ए जो है ए रिलेशन में सिर्फ कंपनी है और बी रिलेशन में सिर्फ सीईओ है, तो कंपनी होल्ड करके रखेगा सीईओ, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट सीईओ कंपनी को होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्यों, क्योंकि जो सीईओ है वो सबसेट नहीं है किसका, कंपनी का।
तो इसे कहेंगे हम नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रिवियल जो है सबसेट का पार्ट होगा लेकिन नॉन ट्रिवियल उस सबसेट का नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी तब अगर होता है जब हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की स्थिति नहीं होती। हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन हमने देखा था जिसमें जितने सारे भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है, तो उसे कहते हैं हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। परंतु पार्शियल डिपेंडेंसी उस परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है जब जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं वो किसी उसकी कैंडिडेट की पर निर्भर करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो एक की पर निर्भर न करके उसके कंपोजिट की पर निर्भर करता है, तो उसे उस स्थिति में पार्शियल डिपेंडेंसी की स्थिति अगर हो जाती है। इस टेबल को हम देखते हैं, इस टेबल में हमारे पास देखते हैं तो रोल नंबर पर नेम एड्रेस और एज डिपेंडेंट है। यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट जो है नेम एड्रेस और एज वो किस पर डिपेंडेंट है, की एट्रीब्यूट रोल नंबर पर डिपेंडेंट है। परंतु कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो किस पर निर्भर है, क्लास पर निर्भर है। जैसे कि बीसीए 3 साल का है, बीए 3 साल का है, पीजी डीसीए 1 साल का और डीसीए 1 साल का है, तो यहाँ पर जो कोर्स ड्यूरेशन है वो रोल नंबर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट हो गई है, क्लास पर। और क्लास किस पर डिपेंडेंट हो गया है, रोल नंबर पर। तो यहाँ पर रोल नंबर और क्लास दोनों मिलकर किसको किसके लिए डिपेंडेंसी बनी, कोर्स ड्यूरेशन के लिए। जबकि ऊपर की तरफ जो हमने डायग्राम में शो किया है इसमें देखते हैं कि रोल नंबर पर कौन कौन निर्भर है, नेम एज और एड्रेस ये निर्भर है, यहाँ पर डिपेंडेंसी बन रही है। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी पार्शियल है, क्यों, क्योंकि रोल नंबर और क्लास के आधार पर ही कोर्स का निर्धारित किया जा रहा है। यदि कोर्स क्लास नेम एड्रेस और एज ये सभी के सभी सिर्फ रोल नंबर पर निर्भर करता तो उसे हम फंक्शनल फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते। लेकिन यहाँ पर जो रोल नंबर और क्लास के आधार पर ही कोर्स का ड्यूरेशन दिया गया है इसलिए इसे क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से रिलेशनल एलजेब्रा में जो हमने ट्रांजिटिविटी पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से ही होती है। ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी इज ए टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच हैपन व्हेन टी इज इनडायरेक्टली रिफॉर्म टू द फंक्शन टू फंक्शन डिपेंडेंट। यदि वो दो फंक्शन में इनडायरेक्टली है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसे ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी कहते हैं। हम एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कंपनी का सीईओ और एज ये 3 लिया गया है। यदि कंपनी होल्ड करके रखता है किसको, सीईओ को, और सीईओ होल्ड करता है एज को, कंपनी ने किसको बिलोंग किया, सीईओ को, यानी कंपनी ने होल्ड किया सीईओ को और सीईओ ने एज को, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी भी किसको होल्ड करके रखेगा, एज को होल्ड करके रखेगा। If CE company belong to CEO, company किसको hold करके रख रहा है, CEO को hold करके रखा है, और CEO H को hold करके रख रहा है, इसका मतलब यह है कि company भी H को hold करके रखेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, हम ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी कहते हैं। तो आज हमने हमारे इंटायर आज के लेक्चर में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा डिपेंडेंसी जो होती है, उससे पहले हमने देखा था डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स टेबल को इजीएस्ट टेबल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें दो प्रकार का डिकम्पोजिशन होता है, लॉसलेस और लॉसी। लॉसलेस डिकम्पोजिशन में एक टेबल को जब हम एक से अधिक टेबल में, दो टेबल में या 3 टेबल में स्प्लिट करते हैं और उसके बाद पुनः जब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन, तो वही टेबल अगर प्राप्त होता है तो उसे हम लॉसलेस कहते हैं, और सेम टेबल प्राप्त नहीं हो पाता है, डेटा का हॉर्स हो जाता है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, उससे लॉसी डिकम्पोजिशन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसी में सर्वप्रथम हमने देखा कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है की एट्रीब्यूट अगर डिपेंडेंट है तो उसी प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर पूरी नॉन की एट्रीब्यूट एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पर एक अगर पूरे नॉन की एट्रीब्यूट किसी एक की एट्रीब्यूट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तो उसे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाएगा। इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी को परफॉर्म करने के लिए 3 रूल्स को अप्लाई करना होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑगमेंटल और तीसरा ट्रांजिटिविटी रूल्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी मुख्यतः
पांच प्रकार के होते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में हमने देखा था कि अगर मान लो जाए एक वैल्यू पर एक से अधिक दूसरे अगर वेल एट्रीब्यूट की वैल्यू डिपेंड हो रही तो इस कंडीशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बनती थी। दूसरा ट्रिवियल में हमने देखा था जो कि सबसेट थ्योरी पर आधारित था, सबसेट में अगर एक्स जो है एक सबसेट है और वाई उस एक एक्स अगर एक सेट है और वाई उसी सबसेट का है तो वो ट्रिवियल कहलाएगा, और अगर एक्स के सबसेट में से वाई नहीं बना हो तो वो नॉन ट्रिवियल कहलाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी वह प्रक्रिया वह होती है जिसमें नॉन की जो एट्रीब्यूट है वो पूरी तरीके से की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना होकर किसी कैंडिडेट की निर्भर कर लेता है तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी जिसमें यदि एक्स वाई को होल्ड करके रखता है और वाई एक्स को एक्स अगर वाई को होल्ड करके रखता है और वाई जेड को होल्ड करके रखता है, इसका मतलब एक्स जेड को होल्ड करके रखता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी की होती है। थैंक यू।